सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों बिल्कुल एक ताजा खबर निकल के आ रही है कि जियो बहुत जल्दी मार्केट में अपना एक वापस से कुछ क्रेजी नया धन धनाधन लेके आने वाला है, जहां पर दोस्तों हमको देखने को मिलेगा एक बहुत ही कम कीमत का एंड्रॉयड स्मार्टफोन जियो की तरफ से, जहां पे साथ में प्लान्स भी बहुत शानदार से होंगे। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं जियो के इसी मास्टर प्लान के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को ना अभी का अभी लाइक और शेयर कर दीजिए अगर आप भी चाहते हैं कि एक कम कीमत का एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेके आ जाए जियो, क्योंकि हमने दोस्तों देखा है ना स्टार्टिंग से कि जो जियो या रिलायंस की दोस्तों स्ट्रेटजी रही है वो कॉम्पीट करने की नहीं रही है, वो कॉम्पिटिशन को खत्म कर देने की रही है। मतलब यहाँ पर दोस्तों जब से जियो आया है तब से हमने देखा है कि कैसे दोस्तों रिस्पॉन्स मिला है जियो को, जो क्रेजी प्लान हमको देखने को मिले थे, मतलब फ्री डेटा या फिर दोस्तों बहुत ही कम कीमत पर हमको काफ़ी अच्छे प्लान देखने को मिले। और आज जो मार्केट शेयर है जियो का दोस्तों क्लियरली बताता है कि ये कितना सक्सेसफुल है फिलहाल इंडिया में, क्योंकि अप्रोच बिल्कुल सही थी और सही मौके का फायदा उठाया था। इनफैक्ट दोस्तों यहां पे जो जियो के मोबाइल फोन्स भी आए थे जियो फोन और जियो फोन 2, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया मार्केट में। और अभी प्लानिंग ये चल रही है कि एक 4,000 रुपये का दोस्तों फोन बना के मार्केट में लॉन्च किया जाए और ये एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होगा। इनफैक्ट दोस्तों अगर आपको पता हो तो अभी बहुत सारी जो है वो जियो ने डील्स क्रैक की हैं अलग अलग ब्रांड्स के साथ में, जहां पे 3 ब्रांड दोस्तों जो मेन है वो है गूगल, फेसबुक और क्वालकॉम। इन तीनों से कुछ समझ में आ रहा है, मतलब मोबाइल फोन का लिंक क्वालकॉम, फेसबुक और गूगल। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों बात एक और ये भी हो रही थी कि एक स्पेशल कुछ एक नया फोन बनाया जाएगा जहां पे एंड्रॉयड होगा नंबर वन, नंबर दोस्तों यहाँ पे जो कीमत है ना वो बहुत कम होने वाली है। और फिलहाल अभी रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से ये करीब करीब $50 के आसपास होगा, यानी कि 4,000 रुपये से कम की कीमत में हमको मिलने वाला है एक एंड्रॉयड फोन जियो की तरफ से। अब यहाँ पर दोस्तों ये सिर्फ फोन नहीं होगा, मजे की बात कि यहां पे हमको साथ में डेफिनेटली कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव देखने को जरूर मिलेगा, ताकि लोग इस फोन को खरीदने में इंटरेस्टेड हों। और ये दोस्तों रिलायंस ने पहले भी किया है, और इनफैक्ट हमको अभी ये जो नया जियो वाला फोन आएगा इसमें डेफिनेटली 6 महीने या हो सकता है 1 साल तक का फ्री डेटा या अनलिमिटेड डेटा या प्लान की कीमत कम या मतलब कुछ ना कुछ तो सब्सिडी भी दोस्तों जरूर मिलने वाली है इस मोबाइल फोन के साथ में। और इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे जियो ने बात करना स्टार्ट कर दिया है इंडिया में दोस्तों स्मार्टफोन सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स वगैरह उनके साथ में कि इनको तैयार करनी है करीब 200 मिलियन यूनिट्स आने वाले 2 सालों में, मतलब 20 करोड़ दोस्तों स्मार्टफोन्स बेचने का प्लान है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिलहाल दोस्तों हम बात करते हैं स्मार्टफोन्स की दुनिया में इंडिया में जो मार्केट शेयर चल रहा है वो जरूर आगे पीछे हिलने वाला है, बिकॉज जियो की एंट्री हो जाएगी वहां पे। और फिर दोस्तों आप जानते हैं कि एक बार अगर रिलायंस कहीं पर घुस गया तो फिर वो चीज़ें बिल्कुल ऊपर नीचे पलट के रख देता है। तो यहां पे ये प्लान दोस्तों है फिलहाल, और ऐसे में सभी जो इंडियन सप्लायर्स हैं उनको बोला गया है कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को भैया रैंप अप कर लो, कि इतनी तैयारी कर लो कि मतलब 200 मिलियन दोस्तों फोन्स जो हैं वो बनाने की प्लानिंग चल रही है। और काफ़ी लो कॉस्ट एक एंड्रॉयड फ़ोन, अब हो सकता है इसमें स्पेक्स इतनी ज़्यादा अच्छी ना मिले, लेकिन फिर आप ये सोचो कि अगर आपको मिल जाएगा बहुत ही शानदार सा प्लान तो क्या पता आप इसको एज अ हॉटस्पॉट ही यूज़ कर रहे हो। या फिर वो लोग दोस्तों जो क्योंकि आज की डेट में भी आपको बता दूं इंडिया में दोस्तों जो 1/5 स्मार्टफोन्स बनते हैं ना उनकी कीमत 7,000 रुपये या उससे कम होती है, तो मतलब अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है और एक ऐसी बहुत बड़ी डिमांड दोस्तों है इस प्राइस रेंज में, जहाँ पे वो लोग जो अभी तक एक बेसिक फोन यूज कर रहे थे उनको दोस्तों एक स्मार्टफोन लेना है। या फिर फिलहाल जो करंट सिनेरियो चल रहा है जहां पे मोबाइल फोन ऑलमोस्ट एसेंशियल सा हो गया है, अगर दोस्तों आपसे बात करता हूं ऑनलाइन स्टडीज की या वर्क फ्रॉम होम के लिए या दोस्तों रिमोट लर्निंग वगैरह के लिए, तो मतलब यहां पे ये जो मोबाइल फोन है ये बहुत एक सही टाइम पे शायद जियो लॉन्च कर रहा है जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट भी है। और 4,000 रुपये में हमको मिलेगा एक एंड्रॉयड फोन जियो की तरफ से। और यहां पे रिपोर्ट्स के हिसाब से जो पहला दोस्तों फोन है अभी, मतलब पहला मतलब जो इसका लॉन्च है वो हम देख पाएंगे नवंबर या दिसंबर में ही, मतलब इसी साल ये शुरू हो जाएगा। और फिर आगे चल के अगर 5G फोन भी आ जाए तो और ज्यादा मजा आ सकता है, क्या पता अगले साल दोस्तों चीज हो जाए। और फिलहाल हम सिर्फ एक फोन की बात कर रहे हैं, अगर दोस्तों पूरा लाइनअप आ गया जहां पे एक फोन 4,000 का है, फिर 10,000 का भी है, फिर 15 का भी है और 20 का भी है, तो आप दोस्तों जानते हैं कि जो मार्केट है वो डेफिनेटली पूरा उथल पुथलने वाला है, जहां पे 200 मिलियन यूनिट्स यार, बिकॉज जियो डेफिनेटली जो प्लानिंग करता है फिर वो बड़ी ही करता है। और इनफैक्ट यहां पे एक और रिपोर्ट ये हमको बताती है कि एयरटेल भी ऐसा ही कुछ प्लान कर रहा है। यहां पे दोस्तों एयरटेल जो है
वो भी अपना कुछ एक स्पेशल 4G स्मार्टफोन लेके आने की प्लानिंग कर रहा है काफी कम कीमत का। और अगेन यहाँ पे लोकल जो दोस्तों कंपनीज है उनसे बात चल रही है, और ऐसे में शायद हमको ये चीज एयरटेल की तरफ से भी देखने को मिल जाए। अब आप दोनों में से किसके लिए एक्साइटेड होंगे और लेट्स सी कि आगे फ्यूचर क्या होता है। लेकिन वैसे लगता है कि जियो का अपकमिंग जो ये 4000 रुपये वाला मोबाइल फोन आने वाला है ये बहुत क्रेजी परफॉर्म करेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जैसे ही आएगा आपके लिए अनबॉक्सिंग भी सबसे पहले मैं लेके आ ही जाऊंगा दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।